Hello everyone, welcome to the class number 38 of the chapter Programming Using C. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में. तो आज का हमारा टॉपिक है while स्टेटमेंट. जैसे कि हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था लास्ट कुछ क्लासेस में. कंट्रोल स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं? दीज आर द स्ट्रक्चर और दीज आर द स्टेटमेंट व्हाट वी यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते वक्त प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं उसी तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया था. एक है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और एक है लूपिंग स्ट्रक्चर. डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर, ओके, स्विच केस स्टेटमेंट, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. तो आज हम पढ़ेंगे लूपिंग स्ट्रक्चर या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में. तो लूपिंग स्ट्रक्चर या फिर लूपिंग स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं? सपोज एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर हमें मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को या फिर उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम ना लिख के बस एक बार ही लिख के मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है जो स्टेटमेंट, उसी तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर. तो व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये कुछ लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इस सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो आज हम पढ़ेंगे एक तरह के लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम है व्हाइल स्टेटमेंट. ओके, तो व्हाइल स्टेटमेंट क्या है? जैसे कि सपोज हमने अभी बोला कि ये एक लूपिंग स्टेटमेंट है, और लूपिंग स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में? टू एग्जीक्यूट ए सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम. ओके, तो सपोज जैसे कि आपके लिए एक प्रोग्राम दिया गया है, आपको प्रोग्राम दिया गया है कि आपको प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक. ओके, आपको 1 से लेके 10 तक नंबर को प्रिंट करना है. तो 1 से लेके 10 तक अगर आपको नंबर प्रिंट करने के लिए बोला गया, तो आप नॉर्मली अगर आपको प्रोग्राम लिखने को बोला जाए तो कैसे लिखोगे? प्रिंट एफ 1, उसके बाद प्रिंट एफ 2, ऐसे 10 बार लिखोगे. प्रिंट एफ 1, प्रिंट एफ 2, प्रिंट एफ 3, ऐसे 10 बार लिखोगे. तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही सिंपल इजी प्रोग्राम भी लेंदी हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे हम व्हाइल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तो ये जो प्रिंट एफ वाला जो स्टेटमेंट है इसको हमें सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ेगा, और एक ही बार लिख के हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. ओके, तो जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा कि व्हाइल स्टेटमेंट क्या है, ये एक लूपिंग स्टेटमेंट है. इसको हम क्यों यूज करते हैं? टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. कब तक एग्जीक्यूट करने के लिए एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को? एज लॉन्ग एज ए गिवन कंडीशन इज ट्रू. ओके, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस स्टेटमेंट को, उसको हम बोलते हैं व्हाइल स्टेटमेंट. तो व्हाइल स्टेटमेंट में एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट कर सकता है, एक व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एक प्रोग्राम कब तक एग्जीक्यूट कर सकता है? जब तक व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर दिया गया कंडीशन ट्रू होता रहेगा, तब तक उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करता रहेगा. और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट ना करके उसको स्किप करके जंप करके व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर नेक्स्ट जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करेगा. ओके, तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. जैसे कि व्हाइल स्टेटमेंट जो यूज करते हैं, पहले हम लिखते हैं व्हाइल, उसके बाद देते हैं कंडीशन. ये कंडीशन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त चेक करता है. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त. उसके बाद इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर चला जाएगा ऊपर व्हाइल स्टेटमेंट के पास, और उसके अंदर जो कंडीशन है उस कंडीशन को फिर से चेक करेगा. जब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो उसको उतना बार वो एग्जीक्यूट करता रहेगा हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त. और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा उसके बाद सीधा जंप करके व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, और व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर नेक्स्ट जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट होगा उसी लाइन ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. समझ आ गया? तो अभी इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि व्हाइल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं.
वो कंडीशन जब तक सही होता रहेगा, वो कंडीशन जब तक ट्रू होता रहेगा, तब तक उस पर्टिकुलर व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, कब तक? जब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक। और जब ये कंडीशन गलत हो जाएगा, मतलब जब ये कंडीशन गलत हो जाएगा तब क्या होगा कि व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, और व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर नेक्स्ट जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को या फिर उस लाइन ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त। समझ आ गया व्हाइल स्टेटमेंट क्या है, व्हाइल स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू उसको हमने समझा। अभी उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वही एग्जांपल लेते हैं कि हमें सपोज प्रिंट करना है एक वेरिएबल का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक। ओके, तो अगर मैं सिंपल प्रोग्राम के हिसाब से लिखूं तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू 1, वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू 2, वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू 3, ऐसे 10 बार मुझे प्रिंटएफ फंक्शन लिखना पड़ेगा, प्रिंटएफ स्टेटमेंट को फिर से मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा। पर अगर मैं यहाँ पे व्हाइल स्टेटमेंट को यूज करता हूँ तो एक बार ही लिख के मैं उसको 10 बार प्रिंट कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर मुझे प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा क्या है, 1। तो मैंने एक वेरिएबल लिया n और उसका वैल्यू मैंने असाइन कर लिया या फिर इनिशियलाइज कर लिया 1। ओके, उसके बाद यूज किया क्लियर स्क्रीन फंक्शन को, उसके बाद मैंने यूज किया व्हाइल स्टेटमेंट को, और व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर मैंने कंडीशन दिया कि मेरा n का वैल्यू जब तक 10 से इक्वल या फिर 10 से छोटा है तब तक मेरा कंडीशन ट्रू होगा। ओके, और जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक व्हाइल स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, तो अभी n का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू। तो अगर ट्रू है तो अंदर आएगा और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या है, फर्स्ट प्रिंटएफ फंक्शन है, तो क्या दिखाएगा आउटपुट, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी में हम किसका वैल्यू दिखाएंगे, n का, और n का वैल्यू है क्या, n का वैल्यू है 1, तो दिखाएगा वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है उसी के अंदर, n प्लस प्लस। तो ये किस तरह का ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1। कोई भी वेरिएबल का वैल्यू 1 इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो n का वैल्यू कितना था, n का वैल्यू था 1। तो अगर हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया तो n का वैल्यू इंक्रीज होके अभी कितना हो गया, n का वैल्यू इंक्रीज होके अभी हो गया 2। ओके, तो n का वैल्यू इंक्रीज होके 2 होने के बाद वो फिर चला जाएगा व्हाइल स्टेटमेंट के कंडीशन के पास, वहां पे फिर से चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। तो फिर अंदर आ जाएगा, फिर वही प्रिंटएफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दिखाएगा क्या, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2। ओके, तो वैसे ही जब तक उसका वैल्यू कब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा, जब तक 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है तब तक। ओके, तो तब तक n का वैल्यू कितना हो चुका होगा, 10 हो चुका होगा, तो तब तक प्रिंट कर लेगा ये वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद जब फिर n प्लस प्लस होगा तब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। और जब n का वैल्यू 11 हो जाएगा तो फिर कंडीशन चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन अगर फॉल्स है तो जंप करके व्हाइल स्टेटमेंट से वो क्या होगा, व्हाइल स्टेटमेंट के बाहर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके पास चला आएगा और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको और एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद है गेट सी एच फंक्शन, जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। उसके बाद हमने क्लोज किया हमारे मेन फंक्शन को, उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म। तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर लिया सिर्फ एक ही बार प्रिंट फंक्शन को यूज करके, कौन, व्हाइल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का जो लेंथ ज्यादा होना था, मतलब ज्यादा लंबा जो हमारा प्रोग्राम होना था, बहुत ही कम स्पेस में बहुत ही छोटा प्रोग्राम हो गया अभी व्हाइल स्टेटमेंट के वजह से। ओके, और जो आउटपुट हम चाहते थे वही आउटपुट हमारे स्क्रीन में अवेलेबल हो गया। तो समझ आ गया व्हाइल स्टेटमेंट क्या है, व्हाइल स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, व्हाइल स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, और उसका एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पे समझा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।